Assalamualaikum student. Question number 6. For the matrices, matrix A given है, B given है, C given है, आपने verify करना है, A, B का whole transpose लेना है, equal to B का transpose, A का transpose. चलें first part को करते हैं, A, B का whole transpose equal to B का transpose, A का transpose. तो देखें इसमें, A, B लिखेंगे और उसका whole का transpose करेंगे. पहले A और B को multiply करें, A और B को multiply कर लेते हैं, minus 1 into 1, plus 3 into minus 3, minus 1 into 2 plus 3 into minus 5, minus 1 into 2 plus 3 into minus 5, 3 into minus 5 होगा यहाँ पे, ये थोड़ी printing mistake है, 3 into minus 5, 3 into minus 5 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 into minus 5 होगा, 2 into 1, 2 into 1 है, 2 into 1 है ये, ठीक हो गया, 2 into 1 plus 0 into minus 3, 0 into minus 3, 2 into 2 plus 0 into minus 5, ठीक हो गया. अब minus one plus 3 into 3 plus minus 9, minus 1 into 2 minus 2, 3 into 5 plus minus minus 15, 2 into 1, 2, 0 के साथ multiply हो रहा है, minus 3, 0, 2 into 2, 4, 0 multiply हो रहा है, minus 5 के साथ, that will be 0, okay, minus 1 को plus किया, minus 10, minus 5 to 17, minus 17 आएगा, minus 2, minus 15 को add किया, 2 plus 0, 2, 4 plus 0, 4, चलें, ये हमें left hand side मिल चुकी है, ठीक है, राइट हैंड साइड को देखते हैं. ओके, इसका एंड पे हमने ट्रांसपोज फाइंड करना था और कर किया है, जो मैं मिस कर गया हूँ. -10 -17, -10 रो है इसको कॉलम बनाएंगे और ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बनाएंगे, 2 4, तो ट्रांसपोज भी हमने ले लिया है, तो ए बी का होल ट्रांसपोज, दैट इज आंसर. राइट हैंड साइड में हमने बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, पहले हमने ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है. चलें जी, पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, 1 2 1 2, यानी रो को आपने कॉलम में कर दिया, फिर ये रो है सेकंड रो, उसको सेकंड कॉलम बना लिया. चलें जी, ए का -1 3 को कॉलम बनाया, 2 0 को भी कॉलम बना लिया. अब मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रांसपोज तो हमने ले लिया, 1 into -1 प्लस -3 into 3 प्लस -3 into 3, ओके, 1 into 2 प्लस -3 into 0, 1 into 2 प्लस -3 into 0, ओके, 2 into -1, 2 into -1 प्लस -5 into 3, -5 into 3, ओके, 2 into 2 is 2 प्लस -5 into 0 0, ओके, 1 into 1 -1 प्लस -3, 1 into 2 2, 0 will be multiplied, -3, answer will be 0, 2 into -1 -2, -5 into 3 -15, 2 into 2 4, 0 0 is multiplied, -5, answer will be 0, okay, -10 2, -17 4, left hand side is equal to the right hand side. Part 1 is completed, move to the part 2. BC ka whole transpose equal to C transpose B transpose. चलें पहले एग्जैक्टली हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, बी है, सी है, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आया. इस रिजल्ट, अच्छा पहले वेरीफाई कर लेते हैं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो, 1 into -2 प्लस 2 into 3, ओके, 1 into 6 प्लस 2 into -9, ये ठीक है, -3 into -2, ओके, -5 into 3, -5 into 3, ठीक है, -3 into 6, -3 into 6 प्लस -5 into -9, ओके, ठीक है जी, -2 3 into 2 6, 6 6, -18 6, -18 -, प्लस 6, -15, -18, -, प्लस 9 into 5 45, ऐड करेंगे और रिजल्ट हमारे पास है 4, -9 -12 27. इस तरह राइट हैंड साइड है, पहले ट्रांसपोज लेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पार्ट 1 में किया है, ये आप कर सकते हैं, दैट इज़ योर टास्क. आप इसको देखकर
करने की बजाय आप खुद प्रैक्टिस करें, फिर इसके साथ मैच करें, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।